असलम डेट सेवेंथ क्लास आई होप यू ऑल आर इन जॉइंग हेल्थ एंड टुडे वी विल स्टार्ट आर यूनिट नंबर टू विच इज़ द मिलर हि सन एंड द डी टाइटल से आपको पता चल गया होगा ये स्टोरी इन्हीं तीनों के बारे में है. आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिलर कौन होता है सो मिलर इज़ अ प परसन हु वर्कस इन अ मिल ठीक है अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस मिलर uh, को गूगल uh, पर सर्च करें आप इसकी uh, एक पिक्चर देख लें आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा ठीक है तो मूविंग ऑन टू आर फर्स्ट पैराग्राफ अपने मिलर जो होता है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को डील करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत मजदूरी करता होता है एक दिन वो क्या सोचता है कि क्यों ना मैं अपना डंकी सेल कर दूं? तो वो अपने बेटे को लेकर जाता है हाईवे पे और व्हेन दे वर वॉकिंग बस बिसाइड द हाईवे वो अपनी डंकी को ना बहुत आराम आराम से स्लोली 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 लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते होते हैं कि हमारा डंकी ना गुड कंडीशन में रहे जब तक जब तक ये मार्केट पहुँचे तो रस्ते में कुछ ट्रैवलर्स उन्हें मिलते हैं और वो लाइक उस पर ताने कसना नहीं होता वो कह रहे होते हैं वट फुलिशनेस इज़ दिस ये क्या बेवकूफ़ी है एक अच्छा खासा डंकी होने के बावजूद भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं बेचारा मेरा जब ऐसी बातें सुनता है लोगों की तो वो अपने बेटे को अपने डंकी के ऊपर बिठा देता है कि चलो तुम तो इसको राइड कर लो सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज जैसे ही वो अपनी जर्नी री स्टार्ट करते हैं तो अब रास्ते में उन्हें कौन मिलते हैं मर्चेंट्स मर्चेंट्स ट्रैवलर्स नहीं होते मर्चेंट्स होते हैं तजारती अब वो कहते हैं अब वो बॉय को लाइक बुरा बनाना शुरू कर देते हैं वो कहते हैं द बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज फादर ठीक है उसे चाहिए कि वो अपने फादर को ऊपर बिठाए और वो देखो किस तरह खुद ही बैठा हुआ है डंकी के ऊपर और मजे से उसकी राइड ले रहा है सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखें द नेक्स्ट टर्न स्टाइल अगले मोड़ पे अब उन्हें कौन मिलता है देर आर सम दे वर कैरिंग बास्केट्स अब वो क्या कहती हैं लुक फूल लाइक अब उसको ये बूढ़े को देखो बूढ़े बेवकूफ को देखो ही इज सिटिंग ऑन द डंकी वाइल्ड द पोअर बॉय हैज टू वर्क अब वो कह रही हैं कि फादर देखो कितना बेरहम है खुद डंकी पे राइड कर रहा है और जो बेचारा बेटा है वो ऐसे चल रहा है और थक रहा है सो so, उन वमिन की ये बातें सुनने के बाद मिलर जो होता है ना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो वो उनको खुश करने के लिए टू प्लीज द पासर बाय वो अपने बेटे के पीछे बैठ जाता है सॉरी आगे बैठ जाता है अब फिर से कुछ लोग आते हैं और फिर से वो ताने कसना शुरू कर देते हैं ये वाट अ क्राइम देखो ये क्या जुर्म है बेचारे बेजुमान जानवर पर कितना बोझ है सो so, अब जब मिलर बेचारा फिर से ये सारी बातें सुनता है तो वो अपने बेटे को लेकर जल्दी से डंकी के ऊपर से नीचे उतर जाता है तो जैसे जैसे वो हाईवे से सॉरी पोल से नीचे उतरते जा रहे होते हैं मार्केट प्लेस की तरफ आ रहे होते हैं वो लाइक उनके साथ साथ एक अप्रोड़ की आवाजें ना ज़्यादा ही शुरू हो जाती हैं अप्रोड लाइक हंगामा थोड़ा ज़्यादा होने लग जाता है और एक ग्रेट्री ऑफ पीपल होता uh, का मतलब है एक uh, मजमा काफी बड़ा मजमा लोगों का जमा होना शुरू हो जाता है टू टेक अ क्लोजर लुक एट द अनयूअल साइट पर जो अनयूल साइट uh, ऐसी होती है जो यूजली आमतौर पर हमें देखने को ना मिले अब ये अनयूल साइट होती क्या है ये तो आपको भी नजर आ रहा होगा इस बुक में सेकेंड इमेज में अब वो क्या करते हैं ना वो उसके बेटे को अकेला राइड करने देते हैं ना फादर को अकेला राइड करने देते हैं ना दोनों को इकट्ठा राइड करने देते हैं अब बेचारे कहते हैं कि उन्हें हम डंकी उठा लें तो ये अनलूजल साइट है कि नहीं तो अब जब वो ऐसा करते हैं और डंकी को अप करते हैं एक बड़े से लाइक वुड के साथ पीस के साथ पीस ऑफ वुड के साथ तो डंकी तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता लाइक अब वो इतने ईज में है उसको कोई वज़न नहीं उठाना पड़ रहा वो आराम से बिल्कुल ईजी होता है और वो जा रहा होता है उनके साथ लेकिन जब लोग हंसना शुरू करते हैं तो आपको पता है जानवर इस चीज़ से बहुत घबरा जाते हैं तो वो डंकी जो होता है ना ही स्टार्टेड टू किक एंड ब्रे ब्रे का मतलब होता है लाइक डंकी की जो आवाज़ नहीं होती नी नी वो स्टार्ट कर देता है और ये बिल्कुल वही टाइम होता है जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं तो ऐसा क्या होता है ऐसा क्या होता है डंकी डर जाता है ठीक है वो अपनी टांगे वगैरह हिलाना शुरू करता है तो उससे क्या होता है इसके जो रूप्स हैं ना जिससे इसके पाँव बंधे हुए हैं ये खुल जाते हैं एंड एज यू नो देवर ऑन द ब्रिज तो जब रोप्स खुल जाती हैं तो वो रिवर के अंदर गिर जाता है अब द पोर मिलर मिलर नाउ सेट आउट सॉरोफुली सॉरोफुली होता है लाइक like गमगीन या बहुत ज़्यादा जैसे दुख हो रंज हो इस तरह करके ट्राइंग टू प्लीज एवरी बडी ही हैड प्लीज नो बडी ये बहुत मीनिंगफुल लाइन है कि लोगों को खुश करते करते वो किसी को भी खुश ना कर पाया तो इसका बेसिकली इस पूरे चैप्टर का लेसन भी हमें यही मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों को प्लीज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए वो शुड प्लीज वंस और फर्स्ट क्योंकि दूसरों की बातों में आते आते ना हम Uh, अक्सर ऐसा ही होता है अपना ही नुकसान कर बैठते हैं सो होप यू आर क्लियर अबाउट द लेक्चर ऑफ द डे एंड यू हैव एनी क्यूरी यू कैन अस हैव अ नाइस डे